इमोशनल गेम। देखो बच्चा, हमने ऑलरेडी इस चीज का कॉन्सेप्ट लिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्ज एंड पावर वगैरह के कॉन्सेप्ट तब वैलिड थे जब जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के तीन तरीके थे, इधर चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, और चेंज द एरिया, और चेंज द एंगल बिटवीन द टू, और देन वी कैन हैव वन मोर अ कंबाइंड चेंज इन एनी ऑफ द थ्री, है कि नहीं। उन बुनियाद पे हमने कहा कि फ्लक्स किस तरह से चेंज हो सकता है। और जब 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 फ्लक्स चेंज होगा, शाबाश, हमने पढ़ा कि जब जब फ्लक्स चेंज होगा, वी हैव गॉट एन ईएमएफ व्हिच इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड लेंज ने कहा कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ये जिस कॉज ने इसको पैदा किया था उसी कॉज के खिलाफ काम करेगा। इतना ही कॉन्सेप्ट था। Now we move forward to one more concept, that is motional EMF. And when we talk about motional EMF, कुछ बातें बड़ी important. सबसे पहली चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ. Say for example, आपके पास इस board में, इस उस plane में already present magnetic field है. Let the magnetic field be outwards. पिछला कितना? ये outward magnetic field है ना? समझ रहे हो? ये ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इसका वैल्यू सिर्फ बी है, ठीक। इसकी डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड्स, क्लियर। से फॉर एग्जांपल, आई हैव गॉट अ रॉड, अ कंडक्टिंग रॉड, क्या शम, एक कंडक्टिंग रॉड है मेरे पास, इसकी लेंथ है एल, ठीक। ये कंडक्टिंग रॉड जो है, इट इज मूविंग इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, से इन दिस फैशन विद अ वेलोसिटी वी। क्या इस रॉड के लिए फ्लक्स चेंज हो रहा है? अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो आप मानते हो इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, ऐसा कि नहीं? बट वी बिलीव दैट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट नो फ्लक्स इज चेंजिंग, द एरिया इज कॉन्स्टेंट, अच्छा कि नहीं, द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट एंड द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन सेम, that is not changing, therefore the flux is constant, and when the flux is constant we cannot have an EMF, we cannot have potential difference between the two ends of the rod. Say this is end A and this is end B. समझ गए कि नहीं? मगर तो अशोक पता एक हैरान कुन चीज देखने को मिलती, that when this rod is in motion inside this magnetic field in such a way that it is cutting the field lines ki pad sta se na sir sab ki sab field lines outwards hai na jaise ki iske aise hai na rod jab yahan se chal raha hai ye in field lines ko kya kar raha hai cut to is called as cutting of flux kya is bana is phenomenon ko kya bolte hain cutting of flux ko kaat rahi hai ye rod remember jab jab rod flux ko kaategi तब तब हमने देखा देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑब्वियसली इंड्यूस्ड, मगर ये इंड्यूस्ड ही मुझे कहलाता, इट इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ, क्या सुना? सो व्हाट डू यू मीन बाय मोशनल ईएमएफ शमाश? हाँ, जब जब एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कट करेगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगी, काटेगी, अच्छा ठीक, तब तक हम देखेंगे कि आपके रॉड्स की जो दो टर्मिनल्स हैं, उन दो टर्मिनल्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। समझ गए कि नहीं? क्या ठीक छा गिनना? हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करेंगे, हाउ इज दिस पॉसिबल दैट दिस थिंग इज हैपनिंग, ठीक छा गिनना? ध्यान से देना, वी हैव टू यूज सम कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड्स एंड करंट एज वेल। देखो यहां से, when this rod is in motion inside the magnetic field, obviously बात ये है कि rod के अंदर electrons हैं, it is a conducting rod, and this conducting rod obviously has electrons, so we can say, मैं आपके लिए अलग कर रहा हूं,
जो इस रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, मैं उस एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन दरअसल इस डायरेक्शन में चल रहा है विद सम वेलोसिटी, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द फैक्ट दैट व्हेनेवर अ चार्ज इज इन मोशन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, अ चार्ज, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा और इस मैग्नेटिक इंट्रैक्शन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स पैदा होगा और वो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पे अप्लाई होगा एंड जिसकी वजह से ये कैसी डिस्प्लेस वैसा कि ना, एंड शाबाश आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट दैट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, याद रखता हूँ मैग्नेटिक फोर्स फॉर एनी चार्ज इट्स मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल टू क्यू द चार्ज इन टू वी वेलोसिटी क्रॉस बी, याद रखेंगे कि नहीं क्या कह रहा हूं, जब जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा तब तब आप याद रखोगे इसमें क्या लगेगा एक फोर्स, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स कब कब ये समझो पहले पूरी बात, एफ एम किसके बराबर है, शाबाश इट इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक है, एंड इफ थीटा इज 90 शाबाश देने एफ एम आएगा ना मैक्सिमम कितना आएगा क्यू इंटू बी इंटू पी, समझ रहे हो, सो जब जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा यू कैन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, समझ गए, हाँ अगर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं अप्लाई करना आएगा तो मीन्स गो वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ा है मैं क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट में वेलोसिटी का वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है ना मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना तो वहां पर एक डायरेक्शन बच गई जो परपेंडिकुलर दोनों क्वेश्चन, देखो ये वाली डायरेक्शन भी चली गई ये वाली डायरेक्शन भी चली गई, अब ये वाली डायरेक्शन रहेगी या तो ये रही या तो फोर्स या ऊपर की तरफ होगा या समझ गए, बट रिमेंबर जो कंसेप्ट है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी लेफ्ट हैंड रूल जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो आप अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट के करंट का पोज समझो तरह करंट या कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अगेंस्ट द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ए टू बी एंड करंट कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम बी टू ए, समझ गए, चलिए ये कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करें। नाउ मैंने आपको कहा कि जो आपका रॉड है इस रॉड में इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन दरअसल चल रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब तिलचुआ से माना जो मैंने केस दिखाया है इट इज एज इफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स लाइक दिस एंड योर मोशन इज लाइक दिस देयरफॉर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कैन आई अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यस आई कैन अप्लाई, मगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो डायरेक्शन देगा इसके लिए उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो कन्वेंशनल करंट कहां से चल रही है इन दिस डायरेक्शन, समझो तरह पहले हम इस पे अप्लाई करते हैं देखते हैं फोर्स इलेक्ट्रॉन्स कहां की तरफ लगेगा, शाबाश इफ दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिस इज फोर्स कहां से लगेगा दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अच्छा एंड दिस इज करंट, समझ गए, अब करंट क्या है यहां पे इलेक्ट्रॉन की मोशन, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की मोशन ऐसे है अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लेकिन आउटवर्ड्स है, इस पर कैसे करंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, फोर्स कहां की तरफ लग रहा है नीचे की तरफ, फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन भी नीचे की तरफ है मगर एक्चुअल डायरेक्शन में कहां होगा ऊपर की तरफ, ठीक है हमने इलेक्ट्रॉन को देखा, लेफ्ट हैंड रूल रिमेंबर इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव चार्जेस, समझ सो रूल ना, देयरफॉर अब अगर इस तरह से हो रहा है ये दिखा रहा है फोर्स नीचे की तरफ लगेगा लेकिन असली फोर्स कहां की तरफ लगेगा ऊपर की तरफ, इसका समान है इसका समान है, जो इस रॉड में इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स आहिस्ता आहिस्ता एक की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, नहीं 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 फोर्स तो ये दिखा रहा है फोर्स तो ये लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन आहिस्ता अपोजिट क्योंकि दिस इज वैलिड फॉर पॉजिटिव चार्जेस यू शुड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्ट फोर्स कहां की तरफ, ये तो है करना अच्छा ऐसे कंफ्यूज हो रहे इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ लेफ्ट राइट, लेकिन करंट कहां की तरफ है राइट टू लेफ्ट, चलिए वही करते ये ऐसे है करंट यहां की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर है फोर्स कहां की तरफ, समझ रहे हो, तो फोर्स कहां की तरफ लगेगा इन चार्जेस में फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से आप देखोगे आपका जो एंड ए है ये बची नेगेटिव चार्ज कितना
समझ रहे हो, आपके एंड ए पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन. दिस इज द इलेक्ट्रॉन से फॉर एग्जांपल, एंड इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है एफ एन. समझ गए कि नहीं? ठीक है, कितना तो तेल क्या शुद्ध पूछा तेल के साथ एंड बी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कि नहीं? ठीक है कि नहीं? मगर एक बात बताओ, इस रॉड में ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन जो है जब आहिस्ता आहिस्ता ए की तरफ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ए का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है ना तिलवन में आकर, तेल के साथ आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट बिटवीन बी एंड ए, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शायद ये होगी, होगी कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? अब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, कितना समझना मेरी बात. मैं कह रहा हूं सबसे पहली चीज मैं कह रहा हूं कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो क्या उस पे लगा फोर्स? कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स. उसकी वजह से एंड ए कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया. अब मैं आपको कह रहा हूं इस नेगेटिव चार्ज आने की वजह से एंड बी क्या बन गया? फिर पॉजिटिवली चार्ज है ना. जब एंड बी पॉजिटिवली चार्ज बन गया फिर शुद्ध माना आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस, या समझो तरह दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. उस इंड्यूस्ड फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये हमारा कन्वेंशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये और ओरिजिनल फील्ड जो है ना उनमें फर्क है. वो फील्ड था कंजर्वेटिव इन नेचर, पर मुझे यू सी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आसान, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. याद रखो कि जब भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है याद रखोगे जो ये फील्ड है इट इज नॉन कंजर्वेटिव. समझ गए कि नहीं? कंजर्वेटिव में हमने पढ़ा है वर्क डन इज जीरो और मुझे ना, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉरवर्ड. ठीक है, इट इज नॉट जीरो. यहां देखो अब जो इलेक्ट्रॉन है, यहां देखो इलेक्ट्रॉन हो गए शिफ्ट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब पैदा हो गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो समझना, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन फर्दर क्या कैसे यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव रिपल्शन आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाएगा. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, अब यही इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज शावर इट इज इक्वल टू क्यू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. पढ़ा है कि नहीं? समझ रहे हो? तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, लेकिन चार्ज होना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ. समझ गए कि नहीं? तेरे मानस में आकर आख वक्त वादी ना इमेज इक्विलिब्रियम का एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है? शाबाश, तब मैग्नेटिक फोर्स शाबाश बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट. तो उसको से मान आते हैं क्या गाइस, fm plus fe नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो. वो समझ रहे हो? When the net force on the electron will be zero, तब मुझे एक बात बताओ, इस negative, इस A side पे already कुछ negative charge होंगे, इस B side पे already कुछ positive charge होगा, तो चुछ माना, there will be some potential difference between point B and point A, and that will be a constant potential difference. ना वो potential difference बढ़ेगी, ना वो potential difference घटेगी. क्यों? क्योंकि electron जो further नए electrons है, उन पे net force कितना आएगा? Zero आएगा. That's potential differences. यूज क्रिएट चुका सान. ये म्यूजिक between the magnetic force and the electrostatic force. Remember that potential difference is called as motional EMF. ये बोला motion की वजह से. It is because of the velocity of the rod that you are finding the potential difference between and A and B. Therefore, what you can do? You can simply represent this rod. You can simply represent this rod like this. यहाँ देखो, ये negative, ये positive. ये rod इसके बराबर. एक बैटरी के बराबर है जिसका पोटेंशियल कितना होगा? E. हम वो देखेंगे, we'll try to calculate उसका वैल्यू कितना होगा, लेकिन that will be E. समझ गए कि नहीं? This and A and this and समझिए तरह कि ना. So in short remember, जब आपका रॉड एक न्यूट्रल रॉड वेलोसिटी दी गई होगी, लीनियर वेलोसिटी दी गई होगी, फैशन लीनियर फैशन में ही चल रहा होगा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट रहा होगा, इज कॉल्ड एज कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तब हम देखेंगे एक अलग ही पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ. समझ गए कि नहीं? क्या ठीक है? अब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं इस रॉड के. देखो इस वक्त रॉड ऐसे चल रहा था, काट रहा था, कभी रॉड ऊपर जाएगा, कभी रॉड नीचे आएगा, कभी रॉड घूमेगा इस मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे घूमेगा,
इस पॉइंट को फिक्स करेंगे या ऐसे घूमेंगे, समझ जा रहा है? इस पर चढ़ना फील लाइन, तो साइकिल के स्पोक्स देखिए, साइकिल से ना वो भी काट रहे होते हैं अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ट्रेन से कुछ ट्रेन से पाका उसका जो एक्सल होता है वो अर्थ के वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को काट रहा होता है, सोच रहा रॉडी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स, तो एक फील्ड लाइन को काट रहा है ना एक्सल, चल चुके माना एक्सल के दो एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आपने देखा होगा आजकल ट्रेन अभी आई नहीं होती, ट्रेन अभी जस्ट आने वाली होती है, लाइट चिमचिना सा लगी पोल था, पोल लाइट्स होती है वो रेड हो जाती है, तिलकी वर्ष रेड है सर तिमन तरह फिक्र या ट्रैकस पर कस ट्रेन क्या सुलाम गए तेली ग्लो ये मैग्नेटिक फील्ड ही चटन ये मैग्नेटिक फील्ड चटान छो समझ तरह पोटेंशियल डिफरेंस गए ना क्रिएट, वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सल्स के बीच में आ जाता है, रेल से ना योर रेल थी योर रेल उन दो के क्योंकि दो जो रॉड है वो इस टायर और इस टायर के साथ इनका सच्ची कनेक्टेड जो नीचे रेल्स है वो रेल्स के साथ वो पॉजिटिव नेगेटिव बन गया वो जोड़ गया एक लैंप के साथ, जब ट्रेन चलेगी पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर पॉजिटिव नेगेटिव लैंप घिस हो गया लैंप समझ आ गया पैटरी पर से किस ट्रेन का समझ तो रहा, सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द मोशनल ईएमएफ समझ गए। आपका साइकिल जाओ आपका डायनेमो कैसे चार्ज होता है, साइकिल छो ना सा डायनेमो या आपने देखा होगा लाइटिंग साइकिल छो आसान या उसमें भी यही होता है कि आपके साइकिल उसके स्पोक्स जो होते हैं स्पोक्स छो आसान वो स्पोक्स हॉरिजॉन्टल फील्ड को काट रहे होते हैं उनकी वजह से उसे अंदर में क्या आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए। हाँ वन चाहता है दसा वाले स्पोक्स छो ना आसान मगर याद छो तुम सारी स्पोक्स पैरेलल्स में कनेक्ट पैरेलल्स में कनेक्टेड है ना तो इट इज इमटीरियल, जितना एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा उतने ही सब भी क्रिएट करेंगे क्योंकि पैरेलल से पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है समझो तो ना, या एरोप्लेन के विंग्स होते हैं उनके दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिकॉज दैट इज एट ऑल टाइम्स कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच आर वर्टिकल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना काट रहा हो ना उनको। सो आपको यह समझना है जब जब मैग्नेटिक फील्ड कटेगा फ्लक्स लाइंस कटेगी किसी भी तरीके से तब तब मोशनल ईएमएफ की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट समझिए। नाउ आई विल गो टू द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ दिस, ये मैं एक्सप्रेशन थी ना मैं याद सी। चलो मैं यहां पे नए से ये थोड़ा डायग्राम अलग से बना ये ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है और इस ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रॉड को चलाया ए और बी और हमने देखा कि इसमें कुछ वेलोसिटी थी बी और हमने देखा कि ये वाला एंड क्या बन गया पॉजिटिवली चार्ज और ये वाला नेगेटिवली चार्ज, लेंथ क्या थी इस रॉड की एल समझी तरह ठीक है। तो हमने बोला कि दिस रॉड इज इक्विवेलेंट टू अ बैटरी जिसका ईएमएफ कितना होगा ई समझ गए कि नहीं, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई ठीक है। चलिए ऑलरेडी प्रेजेंट ऑलरेडी वी नो दैट जब इक्विलिब्रियम आएगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, हियर्स कितना टेलस्कोप से माना एफ ई प्लस एफ एम इज इक्वल टू जीरो अभी मैंने कहा। What is Fe? It is equal to Fe. It is the electrostatic force. लेकिन लग किस पर आए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा था माइनस ई यस इनटू ई वही आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा कि नहीं प्लस यहां देखो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर इसके बराबर क्यू के बदले लेकिन क्या लिखेंगे माइनस ई माइनस ई इंटू बी क्रॉस बी समझ रहे हो यही जीरो के बराबर है ठीक है उसके ना चल चुका से मान आन ये माइनस ई और माइनस ई का कंसेप्ट ये कैंसिल हो जाएगा चल चुका से मान ई प्लस वी क्रॉस वी इट इज इक्वल टू जीरो समझ रहे हो कि नहीं ठीक है उसके ना तला जब पर थे बी ना सर चल चुका से मान वी क्रॉस वी वी
cross, it is equal to minus E. समझो मेरी बात, V cross B कितना आ गया, समझना मेरी बात। देखो इस इक्वेशन से ही हमें एक चीज समझ आ रही है, क्या समझ आ रहा है देखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। अच्छा उसके बाद V cross B, वेलोसिटी किधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, तो ये ऐसे है ना, समझना मेरी बात, ऐसे है ना ये बात, मैग्नेटिक फील्ड ये, वेलोसिटी इधर, V cross B, क्रॉस प्रोडक्ट शी बनान से ये शोषण करो, स्त्री रूप क्या बोल रहा हूं, यहां से शुरुआत करो, V से B की तरफ जाओ, ये अंदर थंब कहां जा रहा है, तो V cross B का रिजल्टेंट कहां होगा, नीचे की तरफ, समझना मेरी बात, ये ऐसे ही है ना, तो V cross B का रिजल्टेंट है क्या असली, E, तो E किधर की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ, मगर क्या कह रहा है, माइनस, क्यों, अभी आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट हो गया, मैंने कहा वो यहां से ऊपर की तरफ गया, क्योंकि चार्ज क्या उसी, नेगेटिव चार्ज, समझ रही हो, तो यहां से भी क्लियर हो गया कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ आ रहा, तो था डायरेक्शन नीचे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ होगा, समझ गए ना, यह क्लियर कितना। Now you already know, have one more expression. हमने electrostatics में equation पढ़ी थी. The relationship between electric field and the potential difference. Anyone? पढ़ा है? हाँ हाँ. Electric field and potential difference में हमने एक relation पढ़ी थी. E is equal to हाँ minus हाँ linear अगर one dimensional equation of इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द नेगेटिव ग्रेडिएंट ऑफ पोटेंशियल, यार चूक गए ना, ओ खुदाया है पूरे, यस जी जनाब, बोला था कि नहीं, ये ग्रेडिएंट जो इस पे काम करता है ये इसको वेक्टर में बनाता है, लेकिन अगर एक ही डायमेंशन की बात करेंगे देन वी कैन से ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब यहाँ पर एक्स क्या है, ये लिखा ई इज इक्वल टू माइनस डी वी डी ए, और लिख सकता हूँ This, remember, this is equation valid for conservative fields. क्या? मगर ये non-conservative के लिए भी हम apply कर सकते हैं. ठीक है कि ना? Therefore, this equation can be used here. Otherwise, this is a conservative field equation. ठीक है? One dimensional conservative field equation. But remember, we can use this equation here also. ठीक है? Therefore, can I say that, which implies, can I say that V cross B, it is equal to minus e के बदले में लिखूं minus dv upon dl, कह सकता हूं, कुछ समझ जो मेरे का, this is potential difference and this is the loss, that you change guard on this plus the one thing के बाद equation which implies, मैं लिखूं फिर ये dv by dl it is equal to v cross v, लिख सकता हूं, देखो समझना मेरी बात, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, dv, व्हाट इज v, पोटेंशियल डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटी, अगर मैं v क्रॉस b को ऐसे रखूं, v क्रॉस b में वेक्टर, इसको मुझे लेना है dl प्रोडक्ट में, dl तो वेक्टर है, इसको मुझे लेना है प्रोडक्ट, मुझे क्या आना चाहिए यहां से, स्केलर, यहां क्या होना चाहिए, समझ गए कि नहीं, तेरे पास नेट पोटेंशियल क्या, तेरे इंटीग्रल गोज देन इंटीग्रेटिंग dv, शाबाश कितना आएगा, इंटीग्रल v क्रॉस b डॉट dl, समझ गए ना, सो व्हाट इज दिस, इंटीग्रल ऑफ dv, इट इज नेट पोटेंशियल, ठीक है, मैं इसको बोलूंगा e, मैं इसको e से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मगर मोशनल, ठीक है, e मोशनल कितना आ रहा है, इंटीग्रल v क्रॉस b क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, क्या ठीक है जनाब, ठीक है, डीएल छोटा वेक्टर, लेंथ क्या है, लेंथ छोटा वेक्टर, वो है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन डीबी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय टू आर, या सॉरी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इनटू dl sin थीटा, तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है dl क्रॉस r, तो यहां r क्यूब लिखते हैं,
डीएल चुने वेक्टर, एरिया क्या है वेक्टर, लेंथ किसी वेक्टर, लेंथ चुने वेक्टर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मुझे हमें बिहार पे चेक कि आपका कंडक्टर किस डायरेक्शन में किस एंगल पे है विद द मैग्नेटिक फील्ड, तेवीस क्या सोचो बना, तेवीस क्या सोचो वेक्टर निमा। चलो ठीक, एरिया तो है ही वेक्टर, ठीक, लेकिन मैं कह रहा हूं आपका कंडक्टर किस एंगल पे होगा विद द मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर एक वायर है, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं लोगे ना। इमेजिन गेस, एक सुकून जल फिगर तो नहीं है हमारे पास, एक फिगर जो है इट इज सिंपली वन डायमेंशनल फिगर। इस वक्त आप वेक्टर इसकी लेंथ लोगे, हमने नहीं किया। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड में देखो, देखो यहां से आपका करंट यहां से चल रहा है, आप देखना चाहते हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पॉइंट बी पे अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड करंट चल रही है इस कंडक्टर, तो आप क्या करते हो, यू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक स्मॉल एलिमेंट डीएल, फिर आप यहां ज्वाइन करते हो आर, तब ये आर भी वेक्टर लेते हो, रेडियल भी वेक्टर लेते हो, समझे जरा। सो लेंथ या पोजिशन वैक्टर सुना, देयरफॉर डीएल इज अ पोजिशन वैक्टर, यू कैन टेक इट, ठीक है। एंड जब जब ये इक्वेशन ही हमने इस्तेमाल की, मैं तो कह रहा हूं यहीं से कि इट इज वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस से, फॉर एग्जांपल वहां से फॉर एग्जांपल एल, तो एक्स तो फुल वेक्टर है ना, एक्स की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, देयरफॉर लेंथ इज वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब ये इक्वेशन आ गई, दिस इज ओवरऑल मोशनल ईएमएफ, ठीक, लेकिन मैं इस मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट इस्तेमाल करना चाहता हूं इस प्रॉब्लम के लिए जो प्रॉब्लम मैंने अभी सॉल्व, ठीक है। यहां देखना बड़ा इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डू यू थिंक दैट इन दिस केस ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझ रहे हो, व्हेन ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैं हटाऊं ये सारा के सारा, ये हटा रहा हूं मैं, मुझे जरूरत नहीं है, when velocity is perpendicular to magnetic field is perpendicular to length, case number first, ठीक है। चलो तेरवां वो समझना मेरी बात, ये बड़ा important है, तीनों perpendicular है एक दूसरे को, समझना पहले मेरी बात। velocity cross b sine of 90 आएगा तब, समझना मेरी बात, b cross b sine of 90 आएगा तब, sine 90 is 1, तो V क्रॉस B के बदले हम V भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझो, तो तब EMF जो है वो किसके बराबर आएगा, वाला इंटीग्रल V क्रॉस B V B sin थीटा आएगा, फिर डॉट उसको करना है किसके साथ, DL के साथ, है ना, है ना, बट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू B, देयरफॉर दिस विल बी EMF विल बी इंटीग्रल V B होगा, है ना, मगर इसका डॉट लेना है किसके साथ, डीएल के साथ, तो डीएल के साथ जब आप डॉट लेंगे वी बी डॉट डीएल, अच्छा एक सेकंड, वी बी साइन थीटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन है ऐसी जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों परपेंडिकुलर है, अब लेंथ बच गया, तो इसका एंगल डीएल के साथ क्या आएगा, जीरो, समझो, V क्रॉस B इन द रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, V क्रॉस B इन द रिजल्टेंट परपेंडिकुलर, या तो ऐसे है या नीचे की तरफ, जब उसको आप डॉट लोगे DL के साथ तो एंगल कितना लिखोगे, DL का बोल यूनिट डायरेक्शन है ना, एंगल आएगा ना जीरो, cos जीरो इज 1, तो ओवरऑल ये क्या बनते हैं इंटीग्रल, क्या बनते हैं ओवरऑल, ओवरऑल इंटीग्रल क्या बनेगा, ये बनता पहले ये v क्रॉस b डॉट dl, मैं आपको ऐसे लिख रहा हूं dl cos थीटा, ठीक है, तो इन दो को हम रिजल्टेंट लेंगे वो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों को, दैट इज dl के साथ, और एंगल कितना बनाएगा जीरो, एंड इफेक्टिवली द एक्सप्रेशन विल बी इंटीग्रल v b dl, v क्रॉस b dl, लेकिन v क्रॉस b तो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर है तो ये क्या लिख सकते हैं, v b ही सिर्फ,
तो ये आएगा E इज इक्वल टू इंटेग्रल वी बी डी एल, ठीक है। तो मुझे बताओ विच इम्प्लाइज, हाँ EMF कितना आएगा, वी बी बाहर वो कॉन्स्टेंट है, इंटेग्रल डी एल विच इम्प्लाइज EMF कितना आएगा, वी बी समझे तो ना, समझ रहे हो कि नहीं, दिस इज मोस्ट एलियम, यानी कि जो मैंने अभी कहा ये रॉड जो है इट इज बिहेविंग एज अ सेल, उसका EMF कितना होगा हमेशा BBL, मगर किस वाले केस में, व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, जब तीनों आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर, देयर कैन बी अ केस, देयर कैन बी अ केस। अच्छा इस वाले केस में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द करंट एज वेल, चलो अब हम करंट का एज बराबर, करंट किसके बराबर है, करंट सम बराबर V / R पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज BBL, यस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड वो तो R है, देयरफॉर द करंट विल बी BBL, समझ में आ रहा है के ठीक से स्किन, एंड रिमेंबर इस वाले केस में जब आपके तीनों केसेस क्या होंगे परपेंडिकुलर, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर और लेंथ को परपेंडिकुलर, तब अगर आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालना चाहते हैं, जो करंट हमने निकाली कितनी BBL / R, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट यू कैन अगेन यूज द फ्लेमिंग्स बट राइट हैंड, इंड्यूस्ड करंट के लिए राइट हैंड रूल, चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है कितना, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन के इन दिस केस, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हमने खुद कहा अभी नीचे वाला टर्मिनल क्या है पॉजिटिव, ऊपर वाला क्या है नेगेटिव, अब हम देखना चाहेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल कहता है जब जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड को, परपेंडिकुलर होगा लेंथ को, तब आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मेरे रूल से निकाल, क्या करेंगे हम शाबाश तलब इशू, मैं फादर फॉर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है एफ बी सॉरी एफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, फादर मदर चाइल्ड यूजुअल मोशन केस, फादर के बदले फोर्स, मदर के बदले मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड के बदले करंट, ठीक है। चलिए यहां पे अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ये आ गया ये वाला, करंट हमें डायरेक्शन देगा ये वाला, लेकिन फोर्स कहां की तरफ दे रहे हो, हाँ नहीं 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 यू चोन रॉड है ये को कुछ छुपाकर इधर की तरफ जा रही है, तो देखो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इंड्यूस्ड करंट विल बी डाउनवर्ड्स एंड दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, समझ गए कि नहीं, ठीक है फोर्स है ना ऑलरेडी इस डायरेक्शन, फोर्स दे रहे हो ना इस डायरेक्शन, यू फोर्स यू ऑलरेडी दूध मुझ ये बस आपका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है ना, और ये आगे डायरेक्शन परपेंडिकुलर है ना तीनों एक दूसरे को, तो करंट यूज फ्लो ए टू बेस्ट था, ठीक है अच्छा यहां देखो अगर आप इन दो में से, यह हो गया केस नंबर फर्स्ट, इसके बाद में केस नंबर टू पे चलता हूं, बताओ क्या हो, दलावान क्या कुछ एक्सप्रेशन दिया है आपके पास, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हुए तो ये आएगा साइन जीरो, इफेक्टिव ईएमएफ कितना जीरो, अगर वी क्रॉस बी चलो वी और बी 90 लेकिन उनका शेफर मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू लेंथ, तब क्या होगा जो इन दो का प्रोडक्ट निकलेगा वो इन दो को परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो फिर बनाएगा डीएल के साथ 90 डिग्री एंगल एंड कॉस 90 जीरो होता है इफेक्टिवली, तब भी ईएमएफ। So remember, कोई भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो आपका इंड्यूस्ड या मोशन ईएमएफ जो है दैट इज ऑलवेज जीरो, दैट इज नो ईएमएफ विल बी जनरेटेड व्हेन एनी ऑफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये फीचर्स कितना डाउट मच और डाउट तो नहीं, वो मैं तो तुम्हें आपका फैराडे की जो एक्सप्रेशन थी हम
हमारे पास वो क्या थी, वो ये थी ना, नेट ईएमएफ चौसम बराबर माइनस डी फाइव बी बाई डी टी थी ना, मगर तो एक मोनो हुई, इट इज नॉट नेसेसरी कि फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज होने के बगैर भी ईएमएफ पैदा, तब हमने बोला ये है, कहा कि नहीं, देयरफॉर रिमेंबर we can have this expression as a net expression that the net EMF produced is equal to this part plus that part integral v cross b dot dl. समझ गए कि नहीं? This is the net EMF. इसमें दोनों आ रहे हैं. This is from induced net EMF and this is from the concept of motion. Or this is ठीक है कितना? ठीक है. मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, वो पूछे तो आता है राइट हैंड थंब या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करो. से फॉर एग्जांपल हमने स्लाइड वायर जनरेटर परसों पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ना? स्लाइड वायर जनरेटर में वो वायर जो थी वो स्लाइड ही कर रही थी और मैं कह सकता हूं वो वायर जो है वो फ्लक्स को काट रही थी. तो यहां देखो ऐसा था ना स्लाइड वायर जनरेटर, और आपने इसको कुछ वेलोसिटी दी थी v, ये तीन तो काट नहीं रहे थे क्योंकि मुझे फिक्स ये तो काट नहीं रहे, लेकिन ये वायर जो है काट रही थी. उसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैग्नेटिक फील्ड था इनवर्स, क्या था, सॉरी आउटवर्स. तरह देवान ये भी सही उकुन पाक से क्या कर लगा होते हैं इस कांसेप्ट. चलो बोलिए जनाब आप मतलब जी इंड्यूस्ड करंट, सो इंड्यूस्ड करंट आज ये करें ताकि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ काम करे, वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे जो शाबाश आउटवर्ड के खिलाफ, यानी कि वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे. तो इनवर्ड कैसे पैदा होता जब ये चीज होगी, तो आपने कहा इफ दिस इज एंड ए दिस इज एंड बी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा इंक्रीज हो रहा था आउटवर्ड्स, आपने बोला ये करंट ऐसे चलाएगा कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, वही कहा दिल के पट पकना ही करंट इन दिस डायरेक्शन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन करंट ये थी ना, ये वर्सेस कितना, समझ रहे हो? मगर हम इशू में उनका कंसेप्ट मुझे दबान, ये रॉड जो है इसकी वेलोसिटी यहां से थी, मैग्नेटिक फील्ड था आउटवर्ड्स था, और इसकी लेंथ वो भी परपेंडिकुलर है, चलचुक से माना इन दिस केस हमें तो तब कहा करंट चलेगी, लेकिन हमने ये नहीं कहा उस करंट का वैल्यू कितना होगा, लेकिन इस वक्त हमें समझ आएगा कि उस करंट का वैल्यू कितना कितना होगा. इट विल बी अगेन वी वी एल बाय आर ऑन क्या क्या पूछा, रॉड चल रही है ये वाली है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड बिटवीन ए एंड बी एंड वो तो मोस्टली एमएफ है, इस रॉड को चला इसी रॉड को चला रहे हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. तरह तेवन यू नो परपेंडिकुलर बोल केस एम इज वन इज फिलामेंट दलील क्या छे प्लावन करंट का बोलते हैं, शाबाश खुद देखो फिलामेंट क्या कह रहा है, फिलामेंट बोल रहा है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, हां अच्छा वेलोसिटी इधर की तरफ करंट का नीचे आया था पहले, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी वही कह रहा है जो हमने उस वाले कॉन्सेप्ट से कहा कि ये अपोज करता है उस चीज को जिस चीज ने इसको पैदा किया था. समझ तिलवन में आकर तिलवन में आकर नाउ दिस इज अ रॉड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मगर अब आपने अभी कहा अभी आपने कहा समझना मेरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आपने कहा सर जब इस रॉड में आप करंट चलने लगी इंड्यूस्ड करंट, तो अभी बन गया ना करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, बन गया कि नहीं? नाउ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, रिमेंबर जिस तरह से अभी आपने कहा व्हेनेवर अ चार्ज इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, या चार्ज कितना. अब ये क्या है इस वक्त, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, चल सुबह सुमान दिस करंट कैरिंग कंडक्टर will again experience a force inside the magnetic field, a current carrying conductor. अभी तक हमने न्यूट्रल कंडक्टर को चलाया, इंड्यूस करंट निकाली किस हाथ से, दाएं वाले हाथ से, ओ कहा कि नहीं, लेकिन वंस टू वन आन इफ यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स. ये छह किन्ना
सर वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखने की कोशिश करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स जो हम बराबर रिमेंबर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय शाबाश आपने पढ़ा होगा इट इज करंट इनटू एल क्रॉस बी थे वो यार बिल तो ये आएगा आई एल बी साइन थीटा आएगा कि नहीं। अब इस वाले केस में करंट नीचे की तरफ अच्छा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है यहाँ पे लेंथ चेंज थे मैग्नेटिक फील्ड जो आउटवर्ड्स एंगल कितना 90 साइन 90 इज 1 देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स विल बी आई एल बी आशा कितना लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी शाबाश जरा देखेंगे करंट कहा डाउनवर्ड्स करंट डाउनवर्ड्स लेफ्ट हैंड रूल ठीक है ना जैसे अभी चार्ज पे हमने लगाया वैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर भी लगता है ठीक है करंट है डाउनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है कहां की तरफ इधर की तरफ देखो समझो मेरी बात मैग्नेटिक फोर्स जो बना योजना कौन चला ये ओसस कितना मगर दूसरे से बना आमतौर से इंड्यूस करंट सो आई सी इट्स पॉइंट ताकि सुबह ने ये फ्लक्स ये आउटवर्ड फ्लक्स उस क्या कसू काम वो आग चीज वो इंपैक्ट ऑन करंट इसके मगर इस करंट चलाने से क्या फायदा आ रहा है इसमें मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स इसको कंटिन्यूअसली बोलेगा भाई कम अज कम तभी तो वेलोसिटी भी आएगी अगर आपने एफएम से ज्यादा दिया तो इसमें एक्सेलरेशन आएगी हम नहीं चाहते एक्सेलरेशन हम चाहते हैं लीनियर वेलोसिटी समझी तरह देयरफॉर द एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी अप्लाइड परसों मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस की मैंने सिर्फ ईएमएफ निकाला था माइनस बीबीएल होना चाहिए मगर वो कैसे होना वो गो या ईएमएफ वो है मध्यम करंट मगर यू सी करंट कैरियर कंडक्टर इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ओथन या सी मोस्टली तो मोस्टली ईएमएफ की वजह से अब इसमें करंट चलने लगी अब इसमें जब करंट चलने लगी मैंने कहा इसमें फोर्स लगेगा कौन सा फोर्स मैग्नेटिक फोर्स उसका वैल्यू कितना आई एल बी देयरफॉर वो मैग्नेटिक फोर्स इसको हमेशा वापस लाने की कोशिश करता है तो अगर ये वापस आएगा जनरेटर तो बैठ गया समझी तरह देयरफॉर आई शुड अलाउन यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स एक्सटर्नल एंड दैट अप्लाई फोर्स शाबाश हैज टू बी आई एल बी Therefore, you have to apply this force ILP. In order to move this sliding wire with a constant velocity. Samajh gaye ki nahi? Ye teachers ke naam. Acha, yahan dekho, kya ye? Acha, ye applied force to ye. Lekin jo isme current, lekin jo isme, wo current kitni hai? Abhi humne nikali. BVL by R. Ye teachers ke naam. Hai ki nahi? Therefore, I can say F applied, the applied force that you are applying to this, it can be again reused like this. I ke badle main likhun BVL by R. Likh sakta hun ki nahi? Abhi expression humne nikali isi wale case ke liye. Length into magnetic field. Therefore, applied force, the force that you need to apply always, so that this will have a linear velocity. Ye kitna hona chahiye? B square V. L square upon this is the applied force that we always require so that the sliding wire moves with the velocity. Teachers, hey teachers, which one be our concept? Talent kya chahiye? Pura talent chahiye. Aapne force apply kiya. Chalo bas energy this is mechanical energy. Chalo kya mechanical power karo. So mere ko khana chahiye. फोर्स अप्लाई मैं कर रहा हूँ ना इस वायर को आगे चला रहा हूँ ना तो मुझे बताओ आपने कुछ पावर दिया ना कुछ एनर्जी खर्च की ना तो कोई मुझे उस अप्लाइड पावर की एक्सप्रेशन निकाल दे शाबाश व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द अप्लाइड पावर पावर अप्लाइड पावर क्या बराबर एफ डॉट वी
होता है कि नहीं, एफ डॉट बी पावर ऑफ पावर मैकेनिकल पावर ऑफ फोर्स डॉट वेलोसिटी, बड़ा है फोर्स कहां की तरफ, यहां की तरफ, वेलोसिटी कहां की तरफ, यहां की तरफ, एंगल कितना इनके बीच जीरो, cos 0 is 1, therefore even angle FB HS, तो अप्लाइड फोर्स तो इतना है लेकिन HS के प्लस 1 पूरा शून्य B स्क्वायर VL स्क्वायर अपॉन R इनटू वेलोसिटी भी है कि नहीं, तेज को समान अवस्था B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R, ये कौन सा पावर जो आपने अप्लाई किया है कि नहीं, लेकिन आपने इस वायर को चलाने से एक एनर्जी पैदा की, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, चल 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 चक्रों तो मैकेनिकल पावर अप्लाई, लेकिन से क्या बनी इलेक्ट्रिकल पावर, एचएस कितना तरह तरह इलेक्ट्रिक पावर का बराबर पावर मगर इलेक्ट्रिक शाबाश पावर से ना वी स्क्वायर बाय आर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हमने वी स्क्वायर दैट इज ईएमएफ स्क्वायर ईएमएफ स्क्वायर अपॉन आर मगर ईएमएफ कूदा इस रॉड में पैदा होता है अभी पढ़ा बीबीएल तो ये क्या है बीबीएल स्क्वायर 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 अपॉन अपॉन आर तो क्या सॉल्यूशन एक्सप्रेशन अप्लाइड पावर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पावर आर इट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन लेंस उसे तीवना समझो तो ना इट हिचेस कितना सो रिमेंबर मोशन ईएमएफ बराबर उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपका लेंस लॉ करता है अपन ठीक है फैराडे इज लॉ तो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ समझ गए कि नहीं कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर यू था अभी मैंने आपको इंड्यूस्ड फील्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं ठीक है दूसरे दिन अगर गुड कर दी लिख दी अप्लाइड पावर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक पावर हो गया अगर आपको इन टर्म्स ऑफ सब व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड बाय अ रॉड मूव्स इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड द पावर डिसिपेटेड इज शाबाश बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर ईएमएफ कितना है बीबीएल करंट कितनी है बीबीएल बाय आर मगर ये किसके लिए था एक रॉड के लिए था जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी ठीक है कि नहीं ओके कह लीजिए जल्दी काम कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना कोई मैं थोड़ा सा मुझे राइट हैंड रूल थे लेफ्ट हैंड रूल क्या फर्क है लेफ्ट हैंड के लिए तेमीज अप्लाई एमीज करंट ऑलरेडी आज ट्रांसफ्यूजन फोर्स क्या होगी लेकिन अगर तू कोई फोर्स योर है दी तू शू इंड्यूस करंट का पोज के वो तो राइट नाउ आई कैन आल्सो शो दैट योर ये लिखा दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना अब मैं इस फील्ड के बारे में थोड़ा बात आगू कहना चाह रहा हूं अब लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉइंट नंबर वन. दिस इंड्यूस्ड फील्ड इज कॉल्ड एज सर्कटल फील्ड और वोर्टेक्स फील्ड. सर्कटल, CIRCUIT, सर्कटल फील्ड और वोर्टेक्स फील्ड. ठीक है, दूसरा पॉइंट. दिस फील्ड इज अ नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. कंजर्वेटिव फील्ड की एक्सप्रेशन याद है किसी को? हाँ, इंटेग्रल ई डॉट डीएल पढ़ा है हमने, इट इज इक्वल टू जीरो. कंजर्वेटिव फील्ड चाहिए हो इंटेग्रल ई डॉट डीएल जीरो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में. अगर आप पूरा साइकिल कवर करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन अगर आपकी सेम है, देन द इंटीग्रल ई डॉट डीएल विल ऑलवेज बी जीरो. बट रिमेंबर, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, दिस इंटीग्रल ई डॉट डीएल इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड सेम इज द केस विद दिस वोर्टेक्स फील्ड. देयरफॉर दिस इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. कैच हो? ठीक है ना? यहां देखिए आप, नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन जीरो नहीं होना चाहिए. यहां देखिए, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये रॉड है, आपने इसको कुछ वेलोसिटी दी है भी, तो कॉन्सेप्ट वही आएगा कि जब ये इस इधर की तरफ जा रहा होगा तो दरअसल इलेक्ट्रॉन्स यहां की तरफ जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को जब फोर्स लगेगा तो किस तरह से लगेगा? शाबाश, उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स लगने वाला तो ऊपर की तरफ लेकिन आएगा नीचे की तरफ. इसका मतलब दिस एंड विल बी नेगेटिव चार्ज बने, एंड दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, नाउ इट मींस दैट यू हैव टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एंड ए टू एंड बी. Now the work done. Can anyone tell you what is the work done? Work done in moving the electrons, moving the electrons from A to B. Shabash. Kalaj barabar. Force into displacement. Force into displacement. Okay. अब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, तो एफ डॉट डी एफ डॉट एस जो है दैट विल बी एफ एस. होगा कि नहीं? फोर्स कितना? क्यू वी बी इट विल बी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, या मैं चूंकि परपेंडिकुलर है तो क्यू वी बी डायरेक्ट लिखता हूं. ठीक है, क्यू वी बी इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, ऐसा एस सोचिए ना, एल टोटल लेंथ एल का वर्ग. तो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस ई भी लिख सकता हूं. दिस वर्क डन व्हिच इंप्लाइज, मैं कह सकता हूं कि आपका वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ई वी बी एल. अब माइनस को अगर मैं नेगलेक्ट करूं इट मींस ऑपोजिट, अदरवाइज वर्क डन मैग्नीट्यूड के एतबार से कितना है? बी वी एल इंटू ई. कितना है कि नहीं? नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर इज सम वैल्यू ऑफ वर्क. पोटेंशियल क्या है? वर्क किसने किया? ये काम का फील्ड है, ये गुना पान है. हमारा काम पॉजिटिव, सिस्टम ने काम किया तो नेगेटिव. इज दैट